आज हम तुर्किश की नई रेमेडी बनाएंगे। तुर्किश रोल बहुत ही बेहतरीन और शानदार बनता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं तुर्की स्टाइल में तुर्किश रोल बनाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1 लीटर दूध ली हूँ, इसे हम गैस पर रख देंगे। गैस हम ऑन कर लिए हैं और दूध बॉयल होने के लिए रख देंगे। बहुत अच्छे से दूध हमें पकाना है। पर हम एक ट्रे लिए हैं, मेरे पास ये ट्रे था, तो हम इसमें ऑयल लगा देंगे। आप लोग घी भी लगा सकते हैं। सारी जगह ऑयल लगा दिए, हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा। एक लेयर डालेंगे। ये हम करी का बुरादा लिए हैं, कोकोनट पाउडर, इसे हम अच्छे से डालेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं डालेंगे, पतला बिल्कुल हम डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे काम की तरफ। एक बाउल लिए हैं, इसमें हम 1 कप ठंडा दूध डाल देंगे। 1 कप मैदा लिए हैं, आप खुद नाप कर लीजिएगा, इसमें डाल देंगे। हम शक्कर लिए हैं, हम 3 कप भर कर डाल देंगे। शक्कर भर कर ले देंगे। 1 कप कॉर्नफ्लोर, आप आला रोट भी ले सकते हैं। हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। इसे हम अच्छे से फेंट लिए हैं। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, आप लोग कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं वनीला एसेंस का डाल रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर हाँ आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे टेक्सचर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े, गुठलियाँ पड़ जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे, चलाते रहेंगे, डालते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर, इसे हम गाढ़ा करेंगे। इस तरह से अगर हम डालेंगे, इसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी हमें रोल करने में, तो हम इसे थोड़ा गाढ़ा करेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे गर्म ही डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फैला दिए हैं, ये एकदम अच्छी तरह से ऐड हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे। अब हम दूसरे स्टेप की साइड चलते हैं। पर हम लिए हैं फ्रेश क्रीम, इसमें हम शक्कर डालकर इसे मिक्स कर दिए हैं। अब हम पैन में दूध डालेंगे, इसे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, कलर अच्छा आएगा इसे। इस तरह से हम मिक्स करेंगे, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। हम इस क्रीम को हम ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे, गाढ़ा करना है इसे। हम तरह से हम इसे चला लेंगे और इसे हम गाढ़ा करेंगे, इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा रहेगा। बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर लेकर आएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा बैटर रेडी हुआ है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे हम ठंडा कर लिए हैं, ये देख सकते हैं हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब इस पर हम लेयर थर्ड लेयर लगा देंगे। हम साइड साइड में रख कर पहले एडजस्ट करेंगे इस तरह से। अब हम इस पर इस तरह से बराबर कर लेंगे सारे लेयर को। इस तरह हम सारा लेयर ट्रे बैठा लेंगे। ये अब रेडी है।
हम हल्का सा फिर गरी का बुरादा गार्निशिंग कर देंगे, इस पर काजू की गार्निशिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका रोल रेडी करेंगे। बादाम कट किए हैं, उसकी गार्निशिंग करेंगे इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब हम इसका रोल रेडी करेंगे, तो अब हम इसे इस तरह से पहले निकाल लेंगे साइड साइड से। इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसका रोल बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हम सारे रोल को रेडी कर लेंगे। यह हमें सारे रोल को निकाल लें, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम थोड़े से काजू बादाम डाल देंगे, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बेहतरीन उतरा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का भी शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो को पूरी देखा करिए, प्लीज़ स्किप ना किया करिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।